बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जी एक दफ़ा फिर आया हूँ पनीरी में, और दो दफ़ा पानी भी इसको लगा दिया है और साथ खाद भी डाली थी। तो अभी देखते हैं कि इसको मज़ीद क्या चीज़ की ज़रूरत है। वैसे काफ़ी से बेहतर हो गई है पहले से ना, ये देखें रंग और इसकी जो कद है ना, इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। और आज फिर जो है ना एक दफ़ा बारिश अपना जो है ना वो जोर दिखा रही है। ये देखें मेरे पीछे कैसे जो है ना काले बादल निकले हैं। तो अभी देखें जी अपना क्या जो है ना, ये रंग दिखाते हैं। बादल जो है ना ये काफ़ी जो है ना गहरे और काले बिल्कुल आ रहे हैं, और हवा भी जो है ना वो साथ तेज़ है। तो जिस तरह के ये बादल आ रहे हैं ना, लगता है इस तरह के काफ़ी ज़ोर की बारिश होगी। अभी देखें आगे क्या होता है। बारिश से पहले जी ठंडी हवा तेज़ हवा आ जाती है, और जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती है। और जो बारिश है ना लगता है बहुत तेज़ी से आ रही है, ये चेक करें। लें जी, बारिश के बाद मैं अभी आया हूँ बाहर। बारिश माशाल्लाह काफ़ी हुई है, मौसम फिर एक दफ़ा ठीक हो गया है। कुछ जो खेत हैं उसमें पानी है, ये देखें। चाचा जी किवें अंब? 2500 रुपए ਦਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ 2400 ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ 1400 ਤੇ ਇੱਕ 2500। ਆਹ ਤੇ 2500 ਦਾ 1400 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ YouTube ਦੇ ਚਾਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੰਗਾ ਜੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਬਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? टमाटर बड़ा रिया था सोने, 100 रुपए किलो टमाटर वी आई पी। टमाटर सोना टमाटर सोना लाल टमाटर 100 रुपए किलो वी आई पी। चंगा लाल मोटा टमाटर 100 रुपए किलो। नींबू में 100 रुपए किलो भाई, नींबू में 100 रुपए किलो। अदरक 900 रुपए किलो अदरक वी आई पी। अदरक थोम 300 रुपए किलो। बड़ा वधिया थोम, देसी थोम आ गया जी। लाल थोम मोटा थोम 300 रुपए किलो। हरी मिर्च 100 रुपए दे 2.5 किलो। हरे 100 दे 2.5 किलो। नवे पुराने आलू भी रियात, बैंगन भी रियात, गोभा भी रियात, मटर भी रियात भाई। हर माल रियात जी, हमदर दालियां दे स्टेशन दे भाई। बड़ा रियात माल आ गया जी भाई, जिन्होंने एडे घाटे पूरे करने। हमदर दालियां दे स्टेशन दे आ जाओ। 100 रुपए किलो टमाटर मिलेगा वी आई पी। टमाटर 100 रुपए किलो। नींबू मिलेगा भाई, धनिया भी रियात, बैंगन भी रियात, हरी मिर्च टमाटर अदरक थोम भी रियात जी भाई। सारे सौदे वी आई पी सौदे आ गए जी। साफ सुथरे सौदे, चंगे सौदे, खरे सौदे नहीं भाई है भाई। सौदा वेख तक के खड़ना, चंगा लगे तो फिर भाई। सही है, ज्यादा खराब होता है।
इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ बिल्कुल ये नाला डेक का एन दरमियान बनता है पानी, यहाँ से कुछ इस जगह पे आई है जो बंद जा रहा है साथ वाला, इस जगह पे पानी जा रहा है। अभी इस जगह पे जो है ना वो पानी नहीं है। पहले जब हम तकरीबन आज से कोई 15 साल या 16 साल पीछे जाएं तो ये जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन वगैरह कुछ नहीं होती थी। और ये जो जगह है ये साथ वाली, इधर भी काफ़ी सारा पानी होता था, लेकिन अभी ऐसा कोई निज़ाम बना है काफ़ी अरसे से, आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे भी देख रहे हैं, इस साइड से नाला डेक का जो पानी है वो दूसरे मुल्क से आता था और इस तरफ को जाता था। यहाँ पे करके जो पुल हमें बना के दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ पे ये पुल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। इस जो नाला डेक की जो भी जगह है जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, ये देखें अभी वसाइल आगे हैं, कुछ पानी आना कम हो गया है, तो अभी माशाल्लाह देखें ज़मीनें बन गई हैं। ये आप इस तरफ भी देखें ज़मीनें बनी हुई हैं और इस तरफ भी देखें ये ज़मीनें बनी हुई हैं। ये मुल्क का जो माशी के मसाइल हैं उसमें तो ये ऑलरेडी अपना कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, जो किसान भी खुशहाल है, मुल्क भी खुशहाल है, लेकिन जो नाला डेक की रौनक होती थी ना वो ख़त्म है। एक तो ठीक है कि नाला डेक की जो रौनक थी वो ख़त्म है, लेकिन काफ़ी सारी जो अमवात हैं वो हर साल होती थी, कहते हैं जी ये जो डेक है ये हर साल एक बंदा लेती है, दो बंदे लेती है, एक्सीडेंट इस तरह के हो जाते थे। तो इस लिहाज से ये ठीक है कि पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन जो इलाके की जो रौनक है, जो खदोखाल हैं, जो मसले मसाइल हैं पानी के, वो जब नाला डेक में पानी आता था तो काफ़ी सारे जो मसले थे वो हल हो जाते थे, और जो मछली है, फिश है, वो भी हम लोगों को काफ़ी हासिल हो जाती थी। और सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात है कि ये जो नाला डेक है ये कुछ हिस्सा जो इसका है ये ज़िला सियालकोट में आता है, और अभी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर खड़ा हूँ, ये ज़िला नारोवाल का इलाका बनता है। तो जो मेरा गाँव है वो ज़िला सियालकोट का और तहसील पसरूर का आखिरी गाँव है, और मेरे साथ ही जो दूसरा गांव है उधर से तहसील जो है जफरवाल और ज़िला जो नारोवाल है वो शुरू हो जाता है। जी जमात जुम्मा पढ़ लीजिए, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। हाँ जी, तो इस टाइम आ गए हैं हम नाला डेक पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं आपको डेक का जो पुल है वो नज़र आ रहा है, और ये रहा जी इधर का व्यू, ये रहा जी साइड का व्यू, और ये रहा इस साइड पे व्यू, ये देखिए। आप सबसे ये बात करनी है कि आज मैं गया था किंगरा टाउन, बात तो खैर इतनी बड़ी नहीं है लेकिन चलो आपसे शेयर कर देते हैं। किंगरा टाउन में मैं जी बिल जमा करवाने के लिए गया हूँ, तो तकरीबन जितने भी जैज़ कैश वाले, इजी पैसा वाले जितने भी बंदे हैं, मैं उनके पास गया हूँ जी बिल जमा करवाना है। तो गलती मेरी शायद थी कि मैं साथ बिल नहीं ले कर गया, तो मुझे कहते हैं जी बिल लाजमी ले कर आए, अगर बिल साथ नहीं ले कर आएँगे तो हम आपका बिल जमा नहीं करेंगे। मैं काफ़ी बहस मुबासे के बाद वापस आ गया, तकरीबन सारी दुकानों पर मैं गया हूँ, तो हर बंदे को पता है कि जैज़ कैश या इजी पैसा से बिल कैसे जमा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी देखें ऐसे लोग हैं, हम बेहिस लोग हैं कि अगर बिल साथ नहीं लेके गए तो रेफरेंस नंबर तो उसके साथ है, लिहाजा आप सब दोस्तों से ये गुजारिश है कि ऐसा ना करें, ठीक है। अगर कोई बंदा बिल नहीं साथ ले गया तो रेफरेंस नंबर उसका साथ लिख लें, और जो मैसेज आपको रिसीव हुआ है कंपनी की तरफ से वो TID नंबर जिसको कहते हैं वो आ गया, तो आप उसको वो दे दें कि भाईजान ये आपका बिल जमा हो गया या आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है,
तो एक दो भाई ने कहा जी हम वैसे तो होता है कि जी चलो ठीक है एक बिल का जो 10 रुपये है वो ले लें, ठीक है आपका हक बनता है, लेकिन एक दो भाई कहते हैं जी हम फी 1000 के 10 रुपये लेंगे। अगर एक बंदे का 5000 बिल है तो वो 50 रुपये तो उसको ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर जो है जुर्माना पड़ गया। तो आप लिहाजा इस तरह ना करें, आप मेहरबानी करें, जो लोग हैं उनके साथ आप कोऑपरेट करें, उनके साथ तावन करें। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं कोई भी इजी पैसा वाले या जैज कैश वाले, तो किंगरा टाउन वाले आप तो बिल्कुल जो है ना कोई आप, मैं तो अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं आपको कहूँ यार, आप लोग तो बिल्कुल बेहिस लोग हैं, कोई हालत नहीं आप लोगों की। आज की वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।